हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कुलाड़ा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, गलत होकर खुद को सही साबित करना ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सही होकर आपको सही साबित करना ये आजकल की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ये 100% हकीकत बात है। अकेला रहना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में अकेले हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी अगर बिताने का मौका मिल जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, अगर वैसे इंसान के साथ अगर आपको पूरी लाइफ अगर बिताना पड़ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हमें यही चाहिए कि हम कोशिश करें कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो जीवन साथी मिले, वैसा काम आप पकड़ें जिस लाइन को आप ज़्यादा पसंद करते हो। किसी किसी का होता है कि अच्छे होते हैं जिस लाइन में, उसको छोड़कर वो उस लाइन में जाते हैं जिसमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आप अगर वो काम स्टार्ट करोगे आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे। आप करोगे लेकिन एक जो होता है एक निश्चित एक एरिया में आप रह जाओगे। अब बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है। और जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है अगर वो काम आप करोगे तो फिर आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते लाइफ में। लोग को आप देखे होंगे वो बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, एकदम झकास इस टाइप के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही बेकार होते हैं। तो कभी भी चेहरा देख के आप इंसान को जज मत करें। आप पहले उससे मिले, बात करें तो आपको मालूम पड़ेगा कौन इंसान कैसा है, कौन आपसे मदद लेने आया है, कौन आपका मदद करने वाला है और कौन आपका काम खराब करने के लिए आया है। तो आप किसी के चेहरा से आप मत जज करें या किसी के इंटेलिजेंसी से कि वो बहुत ज़्यादा तेज है तो तेज है तो मेरे लिए अच्छा है। नहीं, वो तेज है तो हो सकता है आपको और बर्बाद कर देगा। आप बेवकूफ़ इंसान को रखो अपने साथ, लेकिन जो आपको पसंद करता हो और जिसको आप पसंद करते हो आप उसके साथ लाइफ बिताएं। कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है खालीपन। अगर आप खाली बैठे हो तो वो भी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही वरदान के टाइप का है। अगर आप खाली बैठे हो तो आप अपने आप को खाली मत समझो। आप उस समय खुद से मिलते हो, खाली समय में आप खुद को पहचान पाते हो। इस समय है तो अकेले आप विदाया करो, अपने बारे में सोचा करो, मैं पहले क्या था। पहले जो भी आपने किताब लिखा होगा, कुछ भी डायरी लिखी होगी, आप उसको पढ़ो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। वो खालीपन जो है वो बेकार चीज़ नहीं है, आपको आपसे मुलाकात कराता है। आप जब भी बचपन से कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाता है, बस आपको संभालने का कैपेसिटी होना चाहिए। कुछ भी आपका अगर नोट्स डायरी आपने बचपन में लिखा होगा उसको आप संभाल के रखें, इसका हो सके तो PDF बना के अपने पास रख लें फ़ोन में, क्योंकि हमेशा तो आप चीज़ को तो नहीं साथ में रख सकते ना, तो एक अपना फेसबुक पे या कहीं भी छुपा कर हाइड करके आप रख सकते हैं उसको। और खाली समय में जब आप बहुत तकलीफ में हो, जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो। आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप अभी से ज़्यादा उस समय आप ज़्यादा मैच्योर थे। अभी तो दौड़ भाग भरी लाइफ जो हो गई है इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। उस समय आपका माइंड था यार, उस समय क्या आप सोच रहे थे, ये सब जब आप पढ़ोगे अपने बारे में और खुद को तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी से भी अगर आप डायरी लिखते हैं या कुछ अपने बारे में लिखते हैं तो उससे लिखे वो खुद को पढ़ने के लिए, ना कि पूरी दुनिया को दिखलाने के लिए। आप पढ़ा करो, और ख़ास करके अकेले में, जब आप अकेले हो तो उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं पहले कितना अच्छा था, कितना अच्छी अच्छी बात सोच रहा था, क्योंकि उस समय हम लोग का खाली माइंड होता है, हम लोग बहुत आगे तक सोच लेते थे। ऐसे लोग आपके ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। ये दिल में जहर होता है और ज़ुबान पर मिठास होता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा तकलीफ देंगे, आपको यूं ही ऐसे डायरेक्टली नहीं मारेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन मारेंगे। और ये मारते मारते आपको इतना स्ट्रांग बना देगा। ये कितने लोग होते हैं ग्रुप में, जैसे अगर आपका 15 लोगों का ग्रुप होता होगा या 20 लोगों का, उसमें रहते हैं 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिसको आप कभी भी ब्लॉक मत करो। वो चीज़ वो सिखलाएंगे जो आपको कहीं भी दुनिया में नहीं सीखने को मिलेगी। आपकी कमी को डायरेक्टली आपको बताएंगे, आपकी जो भी कमी है वो आपको डायरेक्टली बता देंगे, ये चीज़ तुम्हारा कमी है, तुम्हें ऐसे चलना चाहिए, और आप समझ जाओगे और आप सीख जाओगे। तो इन लोगों से ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं कि सारे लोग आपको ग्रुप में पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपका जो आँख जो धुंधला है उसको साफ कर देगा, ये लोग बेहतरीन ढंग से आपको सिखला देगा ज़िंदगी जीना कैसे एक्चुअली। तो इनको आप हमेशा ऊपर रखें और इनसे हमेशा झुक के रहो। कोई भी बात ज़्यादा कोशिश करो, कोई भी बात छुपाओ नहीं, इनसे शेयर कर दो, फिर ये खुद ही आपको रिप्लाई के रूप में इनका वर्ड हो सकता है कि हैवी हो, आप संभाल ना पाओ, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा 2-3 साल के बाद कि सच में ये जो बोल रहा था सही बोल रहा था। तो ऐसे लोगों को आप हमेशा साथ में रखो। और कभी भी अगर आपको ज़िंदगी में वक्त मिले तो आपके घर में जो भी इनका सयाना एज हो जाता है, जैसे आपके पापा होंगे, आपके दादा होंगे, अंकल होंगे जो बड़े अंकल हैं,
उनके साथ आप टाइम कोशिश करो कि आधे घंटे एक घंटे में बिताऊं, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो जी चुके हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे कैसे लाइफ में प्रॉब्लम आता है। ये पुराने लोग ना कभी कभी मजाक मजाक में भी कुछ बोल देते हैं। मैं एक्चुअली जाता था उनके पास बैठने, तो उन्होंने एक बात बोला था, अभी वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बात बोला था कि जिस इंसान के दौलत में जरा सा भी घमंड अहंकार आ जाए उससे ज़िंदगी में कभी भी मदद मत लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसे उसे नहीं रहेंगे, कुछ आपको अरेंज करना है या कुछ आपको शॉपिंग करना है उस टाइप का, तो आपने उससे उधार ले लिया कि भाई मेरे को आप 4,000 दे दो। तो आपने जब ले लिया तो वो जो धारणा के लोग होते हैं जिनमें कमाई कम और अहंकार ज़्यादा, घमंड ज़्यादा होता है, वो आपको रियलाइज हो जाएगा। एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने मेरे को बोला था मैं शेयर मत करना उससे। कहा गया है कि सब्र कर वो आदम के बेटे, दिन भी गुजर जाएगा, अभी जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो तुम्हारा तारीफ करेगा। ये कोई शायरी नहीं है, ये मैंने खुद से ऐसी बना दिया। तो आप खुश रहें, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं कोई भी बात आपको बताता हूँ जानकारी का, और जो आप बीती है मैं वही बात आपको शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो बात कर रहा हूँ अलग ग्रह का बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। हमारे मैक्सिमम अपने घर के आजू बाजू जो होता है, आप मेरी बात को अगर समझोगे तो आप लाइफ को बहुत ही आसानी से, और ज़्यादा लोग आपके दुश्मन नहीं बनेंगे ज़िंदगी में। जैसा होता है ना कि कुछ लोग तरक्की भी करते हैं लेकिन चलना नहीं आता, मेहनत भी करते हैं लेकिन सबके दिल को ऐसे चुभते जाते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को आप फॉलो करोगे तो आप सब कुछ चुभोगे नहीं, आप पोलाइटली आप अपना ज़िंदगी जियोगे और आप मदद भी कर सकते हैं लोगों का जिन्हें नीड है एक्चुअली। ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जिन्हें मदद का ज़रूरत नहीं है वहाँ भी ऐसे हाथ लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे ज़रूरत है आप वहीं पे मदद करो। थैंक यू।